हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी जहाज़ पे हूँ, तो मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इस जहाज़ पे मेरा जो केबिन मिला है मुझे, केबिन कैसा है, कितना बड़ा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तो बिकॉज मैं इस वीडियो पे बैक कैमरा ऑन करके भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या चीज़ दिया हुआ, कितना बड़ा केबिन है। तो अभी वीडियो पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको मर्चेंट नेवी रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए ये मेरा केबिन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऑफिसर, ये एलईओ है। तो ये केबिन है, यहाँ पे देखिए बाहर में एक एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है, इसको जैसे बंद कर देंगे गेट को। अभी इधर है वो, देखो ये वॉशरूम देखते हैं। देखिए ये वॉशरूम है, नॉर्मल सारे जहाज पे ऐसे ही होता है, ठीक है। बेसिन रहता है एक, यहाँ पे मिरर रहता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सारा फैसिलिटीज रहता है। इसको बंद कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है, ऊपर लाइफ जैकेट, इमरसन सूट रहता है, इधर ऑलरेडी आईएमओ सिंबल भी है। कबर्ड का स्पेस बहुत ही बड़ा है, मैं दूर से दिखाता हूँ कबर्ड का स्पेस। देखिए कबर्ड का स्पेस, ठीक है, इनफ, बहुत, आप इस पर बहुत सामान रख सकते हैं। ये आधा पोर्शन इतना है, देखिए आप मतलब कितना सामान रख सकते हैं, ड्रॉअर भी है अंदर, ठीक है। और ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ ड्रॉअर्स है, एक फ़ोन दिया हुआ रहता है, ठीक है। और एक टीवी और साउंड सिस्टम है, इधर फैन भी है, प्लस एसी का, एसी भी है, ठीक है। देखिए एसी का जो आउटपुट है, और यहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, देखिए कंट्रोलर, ठीक है। और ये यहाँ पे एक पोर्ट होल रहता है, मतलब विंडो। और ये बेड तो पता ही है सबको, नॉर्मल जहाज पे ऐसा ही बेड रहता है, वन एक जन के लिए। और यहाँ पे ड्रॉअर भी दिया हुआ रहता है, देखिए नीचे। और ये सोफ़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है, सोफ़ा। और देखिए यहाँ पे भी ड्रॉअर है, कुछ सामान वामान रख सकते हैं। तो यही है चार्जिंग वार्जिंग का। अब बेटर है कि आप जैसे ही अगर किसी जहाज पे जाते हैं तो ऐसा वाला एक यूनिवर्सल अडेप्टर आप ख़रीद लें, जैसे कि यहाँ पे ये वाला चार्जर घुसता नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास था तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। तो ऐसे ही आप वैसे जो ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो आप ख़रीद लीजिएगा पहले, जहाज़ ज्वाइन करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मालूम चला कि जहाज़ पे केबिन कैसा होता है। सारे जहाज़ पे मोस्टली ऐसे केबिन होता है। तो आज का वीडियो मैं इधर ही खत्म करता हूँ, और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल में ऐसे वीडियो आता रहेगा। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।